बार मनमर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया, और इतनी बेरोजगारी की है, ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये दिखाओ, ये लोग हैं, दिखाओ दिखाओ, जो अग्निवीर या पेपर नहीं, जिसकी वजह से ये नौकरी नहीं मिली है, और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप फिर मिलके जो आपने कहा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम, जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए, ये आपके खटाखट के बाद वो रटारन खटाखट कर रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, मुझे क्यूरियोसिटी है थोड़ा, आप अपने पापा के बारे में मुझे बताइए जी, मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बताइए, आपकी आपने उनसे क्या सीखा? नेताजी और उनके साथ के लोग बिल्कुल जमीनी राजनीति करते रहे, हालांकि नेताजी कुश्ती पहलवान और गांव के थे। आप करते हो कुश्ती? नहीं, मैं कुश्ती नहीं कर पाया जीवन में, क्योंकि मैं ब्रिटिश स्कूल में चला गया तो कुश्ती नहीं कर पाया।